दोस्तों आज के इस वीडियो में दो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स को डिटेल से कंपेयर करने वाला है। दोनों क्रेडिट कार्ड्स काफी फैंटास्टिक है, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली एक क्रेडिट कार्ड का डीवैल्यूएशन हुआ और यहाँ पर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, हमें एक अच्छा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए, आज इस वीडियो में येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड को हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले HDFC बैंक के DCB यानी कि डिनर्स क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड के साथ। दोनों क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस बिल्कुल एज इट इज सेम है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर एक्सिस बैंक ने अपने काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स का डीवैल्यूएशन किया। तो यहाँ पर उस डीवैल्यूएशन के बेसिस पे क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, प्लस यहाँ पर इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में से कौन सा बेटर क्रेडिट कार्ड है, या फिर आप कह सकते हो यार कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए आप इजिली जा सकते हो, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका इजी है, या फिर रियलिटी में कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है, सारी A to Z चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, जितने बेनिफिट्स है, फीचर्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हिडन फीस है, या फिर रिसेंट चेंजेस के बेसिस पे कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर वॉच करें ताकि एक बेटर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लेके आप अपनी मैक्सिमम सेविंग्स कर सकें या फिर राइट क्रेडिट कार्ड लेके आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो यार दोस्तों सबसे पहले यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहां पर अगर आप एलिजिबल ही नहीं होंगे क्रेडिट कार्ड का तो यहां पर बेनिफिट्स और फीचर्स जान के आप क्या कर लोगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनका कहना कि भैया आपकी मंथली सैलरी 3 लाख रुपीज होनी चाहिए तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो इन दैट केस यहां पर आपका पर एनम का आईटीआर मिनिमम 24 लाख रुपीज होना चाहिए तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वही HDFC बैंक के DCB यानी कि डिनर्स क्लब ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनका कहना है कि भैया अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहां पर आपकी मंथली इनकम 2.25 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी कि 1.75 लाख रुपीज आपकी यहां पर मंथली इनकम होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो यहां पर आपका पर एनम आईटीआर मिनिमम 21 लाख रुपीज होना चाहिए। तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच आउट कर सकते हो और उस अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले सकते हो। तो चलिए अब यहां पर इसके जितने बेनिफिट्स है, फीचर्स है या बाकी जितनी भी चीजें उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जॉइनिंग फीस से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा यहां पर दोनों क्रेडिट कार्ड्स की जॉइनिंग फीस बिल्कुल एज इट इज सेम है, यानी कि आपको 10,000 रुपीज प्लस 18% GST देके इन क्रेडिट कार्ड्स को आपको लेना होता है, यानी कि आपको 10,000 प्लस 1,800 रुपीज एक्स्ट्रा एज ए GST देके इन क्रेडिट कार्ड्स को आपको लेना होता है। यस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड्स में यहाँ पर एज अ वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड आप एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यहाँ पर इजीली रिडीम कर सकते हो फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग्स के लिए। और इन 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो अपटू 10,000 रुपीज इन सब की वैल्यू है, यानी कि सीधा सीधा देखें तो यहाँ पर 10,000 रुपीज जॉइनिंग फीस टोटली रिकवर हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको 1,800 रुपीज GST पे करना होगा। वहीं यहाँ पर HDFC बैंक के डिनर्स क्लब ब्लैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि भैया आपको स्टार्टिंग के 90 डेज यानी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में मिनिमम आपको 1.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे, और अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर देते हो तो काफी अच्छी खासी मेंबरशिप आपको पूरे साल भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। इन मेंबरशिप्स की बात करें तो यहाँ पर क्लब वेरिएंट, टाइम्स प्राइम, अमेज़न प्राइम, MMT ब्लैक एलीट टायर मेंबरशिप और स्विगी वन मेंबरशिप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक स्ट्रक्चर की, जिसमें कि सबसे बड़ा यहाँ पर ट्विस्ट हुआ है, यानी कि रिसेंटली जो यस बैंक ने चेंजेस किए उसका इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। यस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहता है कि भैया अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो यहाँ पर 200 रुपए खर्च करने पे आपको 36 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन स्पेंड करते हो 200 रुपए भी तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स हाफ हो जाएंगे, यानी कि ओनली 18 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे 200 रुपए खर्च करने पे। और इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पे अगर आप खर्चा करते हो 200 रुपए का तो यहाँ पर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे यस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड में। वहीं यहाँ पर HDFC बैंक के DCB कार्ड की बात करें तो इन्होंने बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर रखा है कि भैया आप ऑनलाइन स्पेंड करो, किसी भी कैटेगरी में स्पेंड करो, 150 रुपए खर्च करने पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर HDFC बैंक का स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म है, उसकी हेल्प से अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या फिर बहुत सारी चीजें आपको स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, तो वहां पर आपको खर्चा करने पे यहाँ पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स ये क्रेडिट कार्ड देगा, जो कि इस क्रेडिट कार्ड का एक प्लस पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू, वैलिडिटी और कैपिंग्स की। यस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड की बात करें तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको ओनली 25 पैसे देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पर मंथली बेसिस पे दोस्तों आप ओनली 3 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पर
रिडीम कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 साल तक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी रहेगी, उसके बाद ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ पर आप फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या फिर जितनी भी अदर कैटेगरीज है उन सब में आप डेफिनेटली रिडीम कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है कि आप ओनली रिवॉर्ड पॉइंट का 70% ही आप यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप कोई फ्लाइट बुकिंग करते हो तो उसमें 70% आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को ले सकते हो और बाकी 30% आपको अपने कार्ड से पेमेंट करना होगा। पहले ही क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं था, आप 100% अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करके फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग या फिर एक्स वाई जेड सर्विसेज ऑप्ट कर सकते थे। वहीं यहां पर HDFC बैंक के DCB क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये इस मामले में काफी बेटर है, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको यहां पर 30 पैसे से 1 रुपए के आसपास मिल जाती है अलग अलग कैटेगरीज में, यानी कि आप कैशबैक भी ले सकते हो, आप यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग प्लस यहाँ पर स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। प्लस यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी कि जब चाहे जैसे चाहे आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इस मामले में भी DCB क्रेडिट कार्ड यहाँ पर मार्की क्रेडिट कार्ड से काफी आगे है। कुछ कैटेगरीज को यहाँ पर इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड में एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि इन कैटेगरीज पे अगर आप स्पेंड करते हो तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, नो रिवॉर्ड पॉइंट्स, नो कैशबैक या फिर बेनिफिट नहीं मिलता। आप स्क्रीन पे इन सब चीजों को देख सकते हो। माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर एज सच इतना बड़ा माइलस्टोन बेनिफिट नहीं है मार्की क्रेडिट कार्ड में। इनका कहना है कि भैया अगर आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पर रिन्यू करवाते हो क्रेडिट कार्ड को तो यहाँ पर आपको 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे और इन 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो ओनली 5,000 रुपीज आपको इन सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन DCB क्रेडिट कार्ड का कहना है कि भैया अगर आप मंथली बेसिस पे 80,000 रुपीज तक स्पेंड करते हो तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे खासी वाउच देखने को मिल जाते अलग अलग ब्रांड्स के। इन ब्रांड्स की बात करें तो कल्ट फिट लाइव हो गया, बुक माई शो हो गया, टाटा क्लिक और ओला जैसे ब्रांड्स के आपको वाउचर्स देखने को मिल जाएंगे। डाइनिंग बेनिफिट्स की बात करें तो इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स में आपको सेम बेनिफिट देखने को मिल जाता है डाइनिंग वाली कैटेगरी में, यानी कि आपको मिनिमम 15% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इनके जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट है उन सब पे अगर आप जाते हो डाइनिंग बिल्स पे आपको 15% का मिनिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर DCB क्रेडिट कार्ड में आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो अगर यहाँ पर आप पेमेंट करते हो स्मार्ट बाय डाइन आउट की हेल्प से। गोल्फ बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर मार्की क्रेडिट कार्ड में आपको 12 गोल्फ लेसेंस ईयरली बेसिस पे मिल जाते हैं प्लस 4 यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन फी वेवर का ऑप्शन भी आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर DCB क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे 6 गोल्फ गेम्स देखने को मिल जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। तो इस हिसाब से पूरे साल भर में आपको 24 गोल्फ गेम्स मिल जाएगी DCB कार्ड के हेल्प से। तो यहाँ पर गोल्फ बेनिफिट्स के मामले में भी HDFC बैंक का DCB कार्ड यहाँ पर काफी आगे, यानी कि आपको जस्ट डबल गोल्फ गेम्स मिल जाते हैं इस कार्ड से। मूवी बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर येस बैंक की मार्की क्रेडिट कार्ड में आपको काफी डिसेंट बेनिफिट देखने को मिल जाता है, यानी कि बाय वन गेट वन का ऑफर आपको देखने को मिल जाता है और आप मंथली बेसिस पे 3 times ये फैसिलिटी ले सकते हो, यानी कि आप 3 मूवी टिकट्स आप मंथली बेसिस पे मार्की क्रेडिट कार्ड की हेल्प से ले सकते हो। लेकिन मूवी वाला बेनिफिट आपको DCB क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें एक सिंगल ड्रॉबैक देखने को मिला DCB कार्ड का। तो चलिए अब आगे बढ़कर यहाँ पर लॉन्च बेनिफिट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों येस बैंक की मार्की क्रेडिट कार्ड में आपको अनलिमिटेड इंटरनेशनल लॉन्च विजिट्स मिल जाते हैं प्लस यहाँ पर आपको क्वार्टरली बेसिस पे 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल जाते हैं। इस हिसाब से पूरे साल भर में 24 आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको अनलिमिटेड मिलने वाले। लेकिन इन सभी लॉन्च बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए यहाँ पर दोस्तों इन्होंने स्पेंडिंग का क्राइटेरिया सेट कर दिया है। पहले क्राइटेरिया ओनली 35,000 रुपीज था, यानी कि आपको प्रीवियस क्वार्टर ओनली 35,000 रुपीज स्पेंड करने होते थे आपको जो भी लॉन्च बेनिफिट है वो डेफिनेटली मिल जाते। लेकिन ये रिसेंटली अपडेट के बाद ये क्राइटेरिया 1,00,000 रुपए तक का इन्होंने कर दिया है, यानी कि आपको प्रीवियस क्वार्टर 1,00,000 रुपए इस कार्ड की हेल्प से स्पेंड करने होंगे तभी लॉन्च बेनिफिट आपको मिलेंगे। वही HDFC बैंक की डिनर्स क्लब क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको काफी डिसेंट बेनिफिट देखने को मिल जाता है आपको लॉन्च बेनिफिट के मामले में, यानी कि आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉन्च विजिट्स इस कार्ड के हेल्प से मिल जाते हैं। यहाँ पर एक और अच्छी चीज ये है कि आपको प्राइमरी कार्ड होल्डर और एड ऑन कार्ड होल्डर दोनों को अनलिमिटेड मिलने वाले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वाले। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस कार्ड का। प्लस यहाँ पर ऐसा कोई SHS क्राइटेरिया भी नहीं कि आपको प्रीवियस मंथ या फिर प्रीवियस क्वार्टर इतना स्पेंड करना है तभी आपको लॉन्च बेनिफिट मिलेगा। अभी तक तो कोई भी क्राइटेरिया इन्होंने सेट नहीं किया, फ्यूचर में कर दे वो बात अलग है। लेकिन इस मामले में ये क्रेडिट कार्ड काफी बेटर है एज कम्पेयर टू येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड से। और इसके अलावा यहाँ पर एक और अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है DCB क्रेडिट कार्ड में, यानी कि स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म की हेल्प से अगर आप वाउचर्स वगैरह लेते हो तो यहाँ पर जो भी वाउचर की वैल्यू होगी उसका 15% तक का वैल्यू बैक आपको वापस से मिल जाता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और ऐसा कोई बेनिफिट यहाँ पर येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड में हमें नहीं मिलता।
फ्यूल सरचार्ज वीवॉफ की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वीवॉफ मिल जाता है और मंथली यहाँ पर कैपिंग इन्होंने लगा रखी है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप मंथली बेसिस पे फ्यूल सरचार्ज पे आप मंथली बेसिस पे कितना मैक्सिमम यहाँ पर सेव कर सकते हो। इंश्योरेंस बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पर इंश्योरेंस बेनिफिट्स देते हैं, यानी कि एयर एक्सीडेंटल डेथ कवरेज मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर परचेज प्रोटेक्शन और क्रेडिट कार्ड लॉस लायबिलिटी कवरेज दोनों ही क्रेडिट कार्ड में मिल जाता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। और इसके साथ ही सबसे बड़ा सेटबैक यहाँ पर यस बैंक ने दिया इंटरेस्ट रेट में। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं यस बैंक ने। यस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड में पहले इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी पूरा इन्होंने मंथली बेसिस का जो इंटरेस्ट है आप खुद यहाँ पर सुन के चौंक जाएंगे, 4% इन्होंने कर दिया। एक तो एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर कम करने के बजाय इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है पूरा 4%, यानी कि 3.99% इन्होंने मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मान लीजिए गलती से भी आपने यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट वगैरह ड्यू कर दिया तो 4% का इंटरेस्ट लगेगा मंथली बेसिस पे। वही यहाँ पर डीसीबी क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इन्होंने काफी कम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रखा, यानी कि 1.99% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मंथली बेसिस पे रखा है, और यहाँ पर ईयरली बेसिस की बात करें तो 23.88% ये चार्ज करते हैं। तो इस मामले में डीसीबी क्रेडिट कार्ड काफी बेटर है। इस वाले सेक्शन के अलावा भी डीसीबी क्रेडिट कार्ड काफी बेटर क्रेडिट कार्ड है एज कम्पेयर टू येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड से। एनुअल फी वेवर की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड में हमें ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है। येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड का कहना है कि प्रीवियस ईयर अगर आपने 10 लाख रुपए खर्च किए तो नेक्स्ट ईयर आपको जो रिन्यूअल फीस है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी, आपको कोई भी रिन्यूअल फीस पे नहीं करनी है। वहीं यहाँ पर डीसीबी क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर प्रीवियस ईयर आपको ओनली 5 लाख रुपीज तक स्पेंड करने होते हैं और नेक्स्ट ईयर आपकी जो 10,000 रुपीज रिन्यूअल फीस है वो टोटली वेव ऑफ हो जाएगी। फॉरेक्स मार्कअप फीस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों दोनों क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर स्लाइटली कमी है, यानी कि येस बैंक के मार्की क्रेडिट कार्ड में ओनली 1% है, डीसीबी क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ओनली 2% ये चार्ज करते हैं। तो इस वाले सेक्शन में यहाँ पर मार्की क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा बेटर है, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा मिला जिसमें कि ये एज कम्पेयर टू डीसीबी क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा कम चार्ज कर रहा है। तो यार दोस्तों ये रहा पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ दीज टू क्रेडिट कार्ड्स और यहाँ पर रीसेंट अपडेट यानी कि येस बैंक के रीसेंट डीवेल्यूएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर येस बैंक का मार्की क्रेडिट कार्ड काफी खराब कह सकते हो कि काफी ज्यादा डिवोल्यूट कर दिया, काफी सारे बाउंडेशन इन्होंने लगा दी। एज कम्पेयर टू मार्केट क्रेडिट कार्ड डीसीबी क्रेडिट कार्ड काफी बेटर क्रेडिट कार्ड है बहुत सारी चीजों में। देखो इस वीडियो को आप यहां तक वॉच आउट कर रहे हो तो मेक श्योर एक पॉजिटिव कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि यार बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इस टाइप की वीडियोस हमें बनाने में। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है यार वीडियो इंफॉर्मेटिव है या फिर हमने थोड़ा सा इस पे एफर्ट डाला है तो मेक श्योर वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें।